गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ हैं। अच्छा, बहुत अच्छे। चलो बच्चों, आज हम आपको अम्ल, क्षार और लवण के बारे में कुछ बात बताना चाह रहे हैं। यह आपके NCERT का 10वीं कक्षा का दूसरा चैप्टर है, अम्ल, क्षार एवं लवण। तो इसमें जैसे कि हम जानते हैं कि हम जो भोजन करते हैं उसमें कुछ जो पदार्थ है वे खट्टे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि ये इस प्रकार से खट्टे और कड़वे क्यों होते हैं। इसके अलावा हम बिना स्वाद चखे ही कुछ खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच कर सकते हैं, तो वो कैसे की जाए, ये सभी बातें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। हमें पता है कि क्या होता है तथा ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार जो है, क्षारों का स्वाद कड़वा होता है और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक। इसी प्रकार हल्दी जो है वो भी एक सूचक का काम करता है, अर्थात ये हमें सूचना देता है कि कोई पदार्थ अम्ल है, क्षार है। हमने ये भी देखा है कि कई बार हम जैसे सफ़ेद कपड़े पहनते हैं उस पे सब्जी के दाग लग जाते पीले रंग हैं के, हल्दी के, और जब हम उसको साबुन से रगड़ते हैं तब धब्बे का रंग लाल भूरा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात भी ये पीले रंग का वह फिर से वो पीले रंग सूचना का दे रही है होता हमें कि भाई साबुन से जब हम धोते हैं तो साबुन का जो प्रकृति है वो क्षारीय प्रकृति है। तो क्षारीय पदार्थ में जब भी हम साबुन के रूप में क्षारीय पदार्थ को हल्दी के संपर्क में लाएंगे तो वह लाल रंग की हो जाती है, अर्थात ये हमें क्षारीय पदार्थों की पहचान कराने में हेल्पफुल है। क्षार की जाँच के लिए हम संश्लेषित सूचक मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन का भी उपयोग हम कर सकते हैं। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि अम्ल और क्षार किस प्रकार से एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, साथ ही दैनिक जीवन में पाए जाने वाले विभिन्न उपयोग में आने वाले बहुत बारे में सी भी भी इस बात। पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए हम पहले लिटमस के बारे में पढ़ते हैं। लिटमस जिसका हम प्रयोग अम्लीय और क्षारीय पदार्थों की पहचान करने में करते हैं, तो लिटमस विलयन बैंगनी रंग का एक रंजक होता है। रंग रंजक का मतलब होता है रंग होता है, जो कि लीचेन जो है उसकी एक समूह है जिसको हम थैलोफाइटा कहते हैं, उससे संबंधित है। तो लीचेन पौधे से इसको निकाला जाता है, तो इसे प्रायः हम सूचक की तरह प्रयोग में लाते हैं। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह बैंगनी रंग का होता है। ध्यान रहे लिटमस का जो ओरिजिनल जो कलर है वो बैंगनी रंग का होता है, और ये कब होता है, जब ये किसी अम्लीय क्षारीय पदार्थ के संपर्क में नहीं होता। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजेनिया, पिटूनिया, जेरानियम जैसे कई फूलों की जो रंगीन पंखुड़ियां हैं वो किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारीय क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें हम अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। तो आपको समझ में आया? तो सूचक जो है, ठीक है, सूचक जिसको हम इंडिकेटर बोलते हैं इंग्लिश में, इंडिकेटर इंडिकेटर बोलते हैं, तो सूचना प्रदान करते हैं हमें अम्लीय और क्षारीय पदार्थों की। तो इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो प्राकृतिक सूचक जो कि अभी हमने कई नाम पढ़े, जिसमें कि हल्दी है, लिटमस है और कई प्रकार के फूल हैं जैसे लाल पत्ता गोभी है, हल्दी, हाइड्रेजेनिया, पिटूनिया, जेरेनियम आदि। दूसरा है संश्लेषित या कृत्रिम। संश्लेषित या कृत्रिम बोल सकते हैं इसको, कृत्रिम कृत्रिम संश्लेषित है। और तीसरा जो है वो है गंधीय सूचक, जो कि हमें गंध के द्वारा सूचना प्रदान करता है।
तो हम प्राकृतिक सूचक के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या क्या हैं प्राकृतिक सूचक? लिटमस और कुछ प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजेनिया, पिटूनिया, जेरेनियम आदि। तो आप ये जान चुके हैं। तो चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न आया है, आपको तीन प्रमुख नदियाँ दी गई हैं, इनमें से एक में आश्रित जल है, शेष दो में से एक में अम्लीय विलयन है, दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक प्रखंड में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे जानें? हम क्या करेंगे, तीनों पदार्थों को हम टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे या छोटे से बिकर में ले लेंगे। बिकर में लेने के बाद हमें नहीं पता ये तीन पदार्थ है, सपोज ये ए बी सी, इसमें से एक आश्रित जल है, शेष दो में एक अम्लीय एक क्षारीय है। तो हम क्या करेंगे, लाल लिटमस पेपर लिया हमने, तो लाल लिटमस पेपर हमने इसके अंदर डाल लेंगे, ठीक है। तो और ए का जो है कलर में कोई चेंज नहीं आया, ए यहाँ पे ए में हमने इसमें डाला, कलर में कोई चेंज नहीं आया। बी में हमने इसमें डाला, बी में इसको लिटमस पेपर को लाल वाले को, तो इसका जो कलर है लाल से नीला हो जाता है। यहाँ पे सपोज ये नीला होगा कलर, रेड लिटमस पेपर क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। और इसमें डालते हैं हम, तो ये रेड वाला जो है, यहाँ पे हमने रेड वाला ये लिटमस पेपर डाला, तो इस पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये अगेन लाल ही रहता है, ये लाल लिटमस पेपर लाल ही रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बी जो पदार्थ है वो क्या है, क्षारीय पदार्थ है। हमें क्या पता चला, इससे हमें जानकारी मिली कि ये क्षारीय पदार्थ है, अर्थात बेस है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दूसरे केस में हम दूसरा केस लेंगे, जिसमें अगेन हम क्या कर रहे हैं, हमने तीन भी कर लिए वैसे ही, ए बी सी। तो लाल लिटमस पेपर डाला था, लाल से ये तो कन्फर्म हो गया ये क्या है, क्षारीय पदार्थ है, ये तो हम कर चुके। अब हम नीला लिटमस पेपर लेते हैं, तो नीला लिटमस पेपर हमने इसमें डाला ए में, तो ए में डाला तो इसका जो कलर है वो नीले से यहाँ पे लाल हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि नीला लिटमस यदि लाल हो रहा है तो दिया गया जो पदार्थ है वो क्या है, अम्ल है, अम्लीय पदार्थ है ये, ठीक है। और इसको हम नीले वाले को इसमें डालते हैं इसके अंदर, तो इसमें कोई कलर में चेंज नहीं आता है, और नीले वाले को इसमें डालते हैं तो इसमें भी हम पाते हैं कि कोई कलर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। हो गया कि इसलिए हमारा दिया गया पदार्थ ए अम्लीय है, बी क्षारीय पदार्थ है, और सी क्या है यहाँ पे आश्रित जल है, इस पे आश्रित जल, क्योंकि इस पे ना तो नीले लिटमस पे कोई प्रभाव पड़ा ना ही लाल लिटमस पेपर भी हम डालते हैं तो वो लाल ही रहता है, नीला है तो नीला ही रहता है, इनके कलर में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसका मतलब सी जो है वो आश्रित। तो आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे किस प्रकार से इस प्रश्न का हम हल कर सकते हैं, किस प्रकार से जान सकते हैं कि दिए गए पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। आश्रित जल जो है उदासीन होता है, ठीक है बेटा। सबको समझ में आ गया, आपको अच्छा लगा है लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।